नमस्कार, मैं हूं आशु दत्त। 30 दिन में डे ट्रेडिंग को कैसे मास्टर करें। एक जो बड़ा चैलेंज डे ट्रेडर के लिए ये होता है कि ऑपरेटर एक्टिविटी, जो कोई मैनिपुलेशन हो शेयर में, वो कैसे पता चले। देखिए, ऐसा है, कोई कोई शेयर में तो पता चल भी सकती है, कोई शेयर में कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई जेन्युइन एक्टिविटी या जेन्युइन रीज़न के लिए स्टॉक ऊपर चल रहा है, मगर हमें ऑपरेटर एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा बच के क्यों रहना चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटर जो है कुछ पता नहीं है, और किसी भी दिन जो है स्टॉक जो ऊपर हर रोज़ फ्रीज में लग रहा है, किसी दिन में जाके फ्रीज टूट जाती है और स्टॉक जो नीचे के फ्रीज में लगने लगता है। तो ज़्यादातर ये होता है कि आप इन स्टॉक से बाहर नहीं निकल सकते। आपने पोजीशन सही ली हो, एक्यूमुलेशन में हो, मगर आपको ये नहीं पता कि एक्यूमुलेशन कब रुक जाएगी। अगर कोई फंडामेंटल रीज़न की वजह से स्टॉक चलता है तो फिर बहुत अच्छी बात है ना, फिर तो ये है कि 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, 40 दिन चलेगा, कोई एक्विजिशन है, कुछ है। मगर अगर कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ ऑपरेटर एक्टिविटी है, तो हमें भी नहीं पता कि किस दिन जो है स्टॉक रुकना बंद हो। तो दो चीज़ें आप नोटिस कीजिएगा ऑपरेटर स्टॉक के बारे में। एक ये होता है कि ऑपरेटर अमूमन जो है बड़े स्टॉक में अपना हाथ नहीं डालते, क्योंकि उनको कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो किस चीज़ में वो हाथ डालते हैं? देखिए, जिस स्टॉक में प्रमोटर या जो एक कंट्रोलिंग आदमी या एक फैमिली जो है 80-90% स्टॉक ओन करती है, आप कहेंगे कैसे हो सकता है, 75% तो लिमिट है। हाँ, लिमिट सही है कि 75 से ज़्यादा प्रमोटर ओन नहीं कर सकता, मगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर उनके पास कंट्रोल हो तो उतना फ्लोटिंग स्टॉक मार्केट में नहीं होता। आप खुद सोच लीजिए, अगर टोटल 100 शेयर हैं और 95 शेयर जो हैं एक आदमी के पास हैं, तो अगर वो 5 शेयर भी खरीदना शुरू कर दे तो प्राइस का क्या होगा? और कभी कभी शेयर इतने हैं ही नहीं मार्केट में तो प्राइस एकदम चढ़ना शुरू होती है। तो ऑपरेटर के पहला साइन ये होता है कि वो ऐसे स्टॉक में जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा शेयर जो है प्रमोटर के पास है। तो कोई भी एक्सचेंज की वेबसाइट में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको ओनरशिप दिखेगी। अगर आपको लगे ऑपरेटर एक्टिविटी चल रही है, वो चेक कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक फ्रीज पे लगता जाएगा। क्यों ऐसा होता है? देखिए, जिस स्टॉक में कम वॉल्यूम है, कम शेयर होल्डर हैं, तो अगर वो ऊपर की तरफ आप लेके जा रहे हो, किसी के पास शेयर नहीं है, तो सीधा फ्रीज ही लगेगी ना। मगर होता क्या है, अमूमन ये क्या करते हैं कि ये पहले शेयर को ऊपर लेके जाते हैं, फिर सबको इंटरेस्ट हो जाता है, जी शेयर तो बहुत चल रहा है, उसमें पैसे डाल देते हैं, तो आप जब पैसा डालते हैं उसके बाद ये बाहर निकल जाते हैं। मैं डे ट्रेडिंग में क्यों आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि डे ट्रेडिंग में आप ऐसे स्टॉक में फंस जाओगे। आप खरीदते हो हाईएस्ट लेवल पे, शाम को जाके स्टॉक फ्रीज में पहुंच जाता है। आप बोलते हैं, हाँ जी अब क्या करें, फ्रीज में आशु जी मैं कैसे बेचूं, फ्रीज में तो स्टॉक नहीं बिक सकता। तो आप दूसरे दिन वेट करते हो, फिर वो फ्रीज में चला जाता है नीचे की तरफ, फिर आप नहीं बेच सकते। तो डे ट्रेडिंग के लिए ऑपरेटर स्टॉक जो हैं बिल्कुल सूटेबल नहीं हैं। आप अवॉइड कीजिएगा जो स्टॉक एकदम ऐसे ऊपर की तरफ जाते दिखते हैं और वॉल्यूम उसमें कम, पहले कम होती है और सडनली वॉल्यूम जो है 40,000, 1,00,000, 2,00,000 हो गई है, क्योंकि वो किसी टाइम भी रिवर्स कर सकते हैं। ऑपरेटर एक और टाइम पे निकलने की कोशिश करें, जैसे मार्केट एक दिन गिर गया, दो दिन गिर गया, तो ऑपरेटर स्टॉक जो है वो चलना भी बंद कर देता है, उस दिन भी धीमे हो सकता है। तो आपके लिए रिस्क ज़्यादा है, उसमें प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऑपरेटर एक्टिविटी के बारे में। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आशुदा, नमस्कार।